हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम 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 टू ऑपरेटर स्ट्रेटजी। राकेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेटर की तरह ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा समझाऊंगा। एक ऑपरेटर कैसे बना जाता है, एक ऑपरेटर कैसे सोचता है, एक ऑपरेटर क्या देखता है क्या नहीं देखता है, डू एंड डोंट्स पूरा बताऊंगा, हर चीज के बारे में क्लैरिटी में बातचीत होगी। ठीक है, ऑपरेटर स्ट्रेटजी पर बात होगी। तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा देना ताकि सही टाइम पर वीडियो मिले। और आज के दिन कैसे हुआ मेरा लाइव स्ट्रेटजी में लाइव परफॉर्मेंस आप जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव किया था आज के दिन तो बिल्कुल भी मैंने, और पूरा डिटेल में बता दिया कि पहले से बैंक निफ्टी गिरेगा, पहले से सब कुछ फिक्स्ड होता है इस मार्केट में। यू नो दैट, यदि ये बात सहमत करते हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन लोगों पे ये जिसकी जरूरत है, जिन लोगों को। चैप्टर नंबर वन नोट डाउन स्टार्ट कीजिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी बातें होगी। ऑपरेटर स्ट्रेटजी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक ऑपरेटर से दोस्ती करने के लिए मतलब आप क्या करना चाहिए। बोल राकेश जी, हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करें, क्या स्ट्रेटजी यूज करें, कैंडल स्टिक को देखें ना देखें, सारी चीजें, इंडिकेटर या फिर चार्ट पैटर्न देखें, कौन सी क्या क्या चीज है। मतलब सबसे पहले चीज आती है, देखो, स्टॉप यूजिंग लैगिंग इंडिकेटर, इसके बारे में चैप्टर नंबर वन पे हमारे पे सबसे पहले कंडीशन नंबर आती है कि स्टॉप यूजिंग लैगिंग इंडिकेटर। अब ये लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है साहब, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। लैगिंग इंडिकेटर वही होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको आप चार्ट के नीचे लगाते हो। नोट डाउन करना कौन कौन से इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो चार्ट के नीचे लगते हैं। एग्जैक्टली बोले कि राकेश जी, चार्ट के नीचे सुपर ट्रेंड भी चलता है, मूविंग एवरेज भी चलता है, सिंपल मूविंग एवरेज भी चलता है। इस प्रकार के जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर ही कहलाते हैं ऑलमोस्ट। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि एग्जैक्टली प्राइस के माप टू माप चलना चाहिए। हमें तो प्राइस चलने से पहले पता चल जाए कि ये वाला कॉल लेना, ये वाला पुट लेना, यहाँ पर एंट्री लेनी, यहाँ पर एग्जिट लेनी, यहाँ पर एक्सपेक्टेडली हमारा स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना है, वॉट एवर डू, पहले पता होना चाहिए। अब ये तो पहले के मतलब हो जाते हैं, गिर जाता है, पड़ जाता है, मार्केट चल जाता है ऊपर, उसके बाद इंडिकेशन देते हैं कि यहां से मूविंग एवरेज कट ऑफ हो रहा है, उसके बाद खरीदारी कर। इसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर, स्टॉप यूजिंग लैगिंग इंडिकेटर। इस प्रकार के इंडिकेटर का यूज नहीं करना है। और मेरे इंडिकेटर के बारे में भी डिटेल बताऊंगा, जाके फुल वीडियो देखना है यही वाला, बगैर स्किप करें ईमानदारी से। नो कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या ऑपरेटर राकेश जी, क्या ऑपरेटर कैंडल स्टिक देखता है, चार्ट पैटर्न देखकर काम करता है? मैं बोलूंगा स्टॉप यूजिंग कैंडल स्टिक एंड चार्ट पैटर्न। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिंपल सी भाषा में पूछूंगा, कैंडल स्टिक कौन बना रहा है, चार्ट पैटर्न कौन बना रहा है? इस सवाल का जवाब आपको 1 मिनट वीडियो सोचना है, वीडियो के बारे में, मतलब ये जो शब्द है ना मैंने क्या लिखा, स्टॉप यूजिंग, नो कैंडल स्टिक, नो चार्ट पैटर्न, बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके लिए आपको दिखाया जा रहा है। देखो, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, ये बात आपको समझ में आती होगी सिंपल सी भाषा में। वही काम कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न करते हैं हाथी के दांत, और वही कंडीशन आपको लगे जिस जगह आप ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स लगा के बैठ जाते हो, राकेश जी हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा, फलाना का इंडिकेटर लिया है, तो यहाँ पे एंट्री लेनी थी, वहीं पे जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 बार स्टॉप लॉस, 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वहीं से एंट्री बनी और उसके नीचे जाके हमको कॉल खरीदना था और वो चुपचाप लेके बैठे रहते, हमारा वैसे भी प्रॉफिट हो जाता है। होता तो है कंडीशनली प्रॉफिट, मगर 3 में से 1 बार, 2 में से 1 बार आपके लैगिंग इंडिकेटर, मगर उसके अंदर आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है। कंडीशन नंबर वन आपको समझना पड़ेगा, नो कैंडल स्टिक नो चार्ट पैटर्न। बोल राकेश जी फिर देखे क्या, बोल राकेश जी क्या देखे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कैंडल स्टिक की जगह क्या देखना चाहिए, लाइन करके देखा करो मार्केट को, चार्ट को, मतलब कैंडल स्टिक हटा दो,
मार्केट को लाइन करके देखा करो तो बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझ में आने लगेंगे चार्ट और चार्ट के पैटर्न्स और कहां पर क्या बन रहा है। कैंडल्स में जो बनता है ना वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल पता है एक भ्रम है, पूरी तरीके से एक कैंडलस्टिक भ्रम के रूप में ही दिखाई देती है। जो ग्रीन कैंडल होती है कभी कभी रेड हो जाती है और जो रेड होती है वो ग्रीन हो जाती है। कई बार आपने भी देखा होगा चार्ट पैटर्न फेल हो जाते हैं, कैंडल स्टिक जहां पर आप सोचते हो कि बाइंग आनी चाहिए वहीं पर ये सबसे बड़ी सेलिंग आ जाती है, उसी को कहते हैं ऑपरेटर। जो दिखाता है वो कभी होता नहीं। ठीक है, स्टॉप यूजिंग अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन खींच खींच के जो आप बोलते हैं राकेश जी हमने तो ट्रेंड लाइन खींच के रखी है, ये 5 मिनट का ट्रेंड लाइन, ये 15 मिनट का ट्रेंड लाइन है, फिर आधे घंटे का अलग खींचोगे, फिर 1 घंटे का अलग खींचोगे, फिर 2 घंटे का अलग खींचोगे, फिर 1 डे का अलग खींचोगे, इतने ट्रेंड लाइन लगाओ यार चार्ट भर जाएगा इस तरह, है ना। और वो ऑपरेटर भी जानता है कि रिटेलर्स यही करते हैं, सिंपल सी भाषा है। तो स्टॉप यूजिंग अ ट्रेंड लाइन कोई मतलब नहीं है, बेकार काम है पूरी तरीके से। मतलब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नहीं आती ये सब चीजें। यदि आप मेरी बात से सहमत है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ईमानदारी से हर प्रश्न के बारे में आप लोगों को कमेंट जरूर करना चाहिए। ऑप्शन चेन देखे या ना देखे, अब देखिए ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन देखना है या नहीं देखना। यदि आपको ऑप्शन चेन समझ में आती है तो ठीक है, और नहीं समझ में आती तो बिल्कुल भी मत देखो। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, स्टॉप यूजिंग अ पेड सिग्नल। जो आप लोगों ने टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग एक्स ट्विटर है ना जिसे कहते थे पहले, तो स्टॉप यार, अभी तक तो कर लिया ना नुकसान, क्यों बंद नहीं हो रहा अभी तक। तो ये सब चीजें बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला, आज तक कुछ नहीं हुआ आगे भी कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। अब तो रुक जाओ, ऑपरेटर यदि बनना है तो मेरे इस सफर में जारी रहना, आपको बहुत नहीं एक नहीं 1000 ऐसी चीज दिखाऊंगा। तो आज के दिन मैंने क्या किया, कैसे किया ट्रेड, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं चार्ट पे ले चलता हूं, बट जी कैंडल स्टिक ध्यान से देखो। तो आज सुबह खुलते से देखो मैंने कैंडल क्या रखा था, कैंडल स्टिक की जगह लाइन का प्रयोग करना था। देखो मैंने कैंडल स्टिक की जगह लाइन कर दिया था, मार्केट सिंपल भाषा में कैंडल स्टिक की जगह लाइन करके चला के रखा। बैंक निफ्टी का चार्ट था और आज की बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे 9 अक्टूबर का दिन था। तो हम लोगों ने क्या बोला, सुबह खुलते से यूट्यूब पर चलते हैं लाइव में, जहां लाइव किया था नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह देखो मैं लाइव पर जा रहा हूं आपके सामने, ये लाइव जा रहा हूं और क्या किया है पूरा डिटेल बताऊंगा। देखो ये लाइव है, लाइव के हम इसको वीडियो को ओपन करते हैं। लाइव ट्रेडिंग गाइस, गुड मॉर्निंग। खुलते से 51,800 की कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी की रन खुलते से ऊपर, मतलब कोई यहां पर धमाका देखने को मिल रहा है। एंड ऑपरेटर स्ट्रेटजी लाइव ऑन द स्क्रीन पे है ना लाइव। गाइज वैसे ऑपरेटर स्ट्रेटजी लाइव रोजाना बैठकर मैं लाइव नहीं करता हूं और बड़ा ही मुश्किल से समय मिलता है, उस समय को मैं आप लोगों के लिए सदुपयोग करने की कोशिश करता हूं। ऑपरेटर का इंडिकेटर यहां पर दिखा रहा हूं लाइव, देख लो आपके सामने मौजूद है। देखो ध्यान से 51,800 के ऑप्शन के नीचे मैंने कहा ना मैं किसी प्रकार का लैगिंग इंडिकेटर मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड वगैरह ऐसी कोई चीज है यूज नहीं करता, मैं कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगाता हूं, मैं ऑप्शन चेन का डेटा लिमिटेड देखता हूं जो मुझे समझ में आता है। सिंपल सी भाषा में मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कहा था सबसे पहले काम क्या का था कि ध्यान से देखिए आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान किसी की सहायता नहीं लेनी है, किसी की सहायता नहीं लेनी, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब खुद से सेल्फ डिपेंडेंटली होकर सीखना पड़ेगा, और यदि फॉलो करना चाहते हो तो ऐसी चीजों को फॉलो करो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। बोल राकेश जी और क्या चीज नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहली गलती नंबर एक और मैं बता रहा हूं, अरे निफ्टी प्रिडिक्शन बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन के वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से कभी चलता ही नहीं, कई बार आपके स्टॉप लॉस हिट उसी वजह से होते हैं। ऑपरेटर भी जानता है, सब लोगों ने बोला है बाय करने का तो वो वहीं से भी सेल लेके आता है, और जहां पर सब लोगों को सेल बोला है वहीं पर ही बाय लेके आएगा था। और आप कल के दिन क्या हो सकता है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, कल के दिन हो सकता है कि मार्केट आपको साइडवेज ही देखने को मिले, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी कल के दिन, ये बात नोट करके रख लो। पहले कंडीशन बता रहा हूँ, निफ्टी प्रिडिक्शन सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ये दो शब्द का आएगा निफ्टी प्रिडिक्शन, और कुछ भी नहीं है मार्केट में आपको ज्यादा ज्यादा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन का सेटअप चेक कर लेते हैं। हाय गाइस आई एम लाइव टुडे,
सेलिंग जोन एरिया। तो ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर तकरीबन समय हो चुका था 10 बजे का, एग्जैक्टली 10 बजे का समय हो चुका था और मैंने कहा था कि सेलिंग सिग्नल चालू हो चुके हैं। ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, ऑप्शंस में भी एक रिकवरी शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। और देखो मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, देखो सेलर जोन एरिया पे पहुंच चुका है, ऑप्शन कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो सेलर जोन एरिया में पहुंच चुकी है। मैं मार्किंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ, डिटेल करके बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, आप नोट डाउन पहले ही कर लो। देखो आपको बता रहा हूँ डिटेल में, यही तो सारी चीजें जो आपको पहले से ही बता रही थी। और उसके बाद ये गिरावट जो आई बैंक निफ्टी में, आपको याद होगा कि 10:30-11 बजे के बाद जो सेलिंग आई है मार्केट में, देखो पहले ही बता रही थी मैंने ये सारी डिटेल वीडियो, आप पूरा वीडियो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो में हमने क्या किया और क्या नहीं किया है। और उसके बाद देखो मैंने 50,200 की पुट रिकमेंडेशन करी और एक और पुट रिकमेंडेशन करी थी 50,900 की पुट ऑप्शन रिकमेंडेशन करके। और देखो मैंने सेलिंग सिग्नल के बारे में डिटेल बताई थी, दो मिनट यहाँ पर हम ले चलते हैं आपको सेलिंग सिग्नल पर ही। ऑप्शन छ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इस तरीके से बैंक निफ्टी पर मैंने वॉकिंग करके आप लोगों को बता दिया था सुबह कितने बजे 10:30 पे के बैंक निफ्टी पलट रही है। अब बेचने के लिए तैयारी कर लो और यहाँ पर 50,900 की पुट खरीदारी कर लेनी थी। 50,900 की पुट हमने ध्यान से देख लीजिए कितने के भाव पर बोली थी, तकरीबन 7-8-9 रुपये के भाव पर बोल दी थी और यहाँ पर खरीदारी करने की तो सब लोगों को बोला था। देखा तकरीबन यहाँ पर 15-16 रुपये के भाव में बोली थी, सॉरी 15-16 रुपये के भाव में बोली थी, 16 रुपये के। देखो 50,900 ये थी पुट ऑप्शन तकरीबन, जो कि 50,900 की पुट ऑप्शन जो कि बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए ऊपरी स्तरों पर है। ध्यान से देखिएगा ऊपरी स्तरों पर, अब मैं सेलिंग के बारे में बोल रहा हूँ और यहाँ पर पुट ऑप्शन आने की तैयारी है। देखो बैंक निफ्टी गिरने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ तकरीबन 50,900 के करीब करीब गिर जाएगा, ये पहले ही बात में बता चुका था इसमें वीडियो में, मैंने डिटेल में पूरा डिटेल में फुल वीडियो दिया है। और ऑप्शन चेन का डेटा भी मैंने, देखो ऑप्शन चेन का डेटा सही तरीके से देखने का तरीका भी बताया उसमें वीडियो में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन चेन के डेटा में देखो ऑप्शन की वैल्यू गिरी और ऑप्शन में अभी हम एंट्री बनाएंगे 15-17 रुपए के भाव पर तकरीबन। हम यहाँ पर डिटेल ले लेते हैं, देखो हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो को। इस सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, मगर आप यदि फॉलो कर रहे हो मुझे और सीख पा रहे हो और पैसा कमा पा रहे हो तो धन्यवाद। देखो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी खरीदना शुरू कर दी 23 रुपए के करीब करीब और यहाँ पर बाउंस बैक आना शुरुआत हो चुकी थी हमारे ऑप्शंस में। लुक एट दिस, 50,900 की पुट ऑप्शन और तकरीबन 50,200 की पुट ऑप्शन में धमाका होने वाला, बैंक निफ्टी गिरने वाला। लुक एट दिस, ये आपके सामने ये सब लाइव हो चुका है, उसका वीडियो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो मैं एंट्री बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखो मेरे ऑप्शन में एंट्री भी बढ़ गई और बैंक निफ्टी गिरती भी नजर आ रही है। लुक एट दिस जंपिंग, जबाग जंपिंग जम्पक जो कि हम लोग करते हैं। ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर कहाँ एंट्री करता है, कहाँ एग्जिट करता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, डू एंड डोंट्स, कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सारी चीजें सिखाता हूँ मेरे ऑपरेटर स्ट्रेटजी कोर्स में। सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस है और ये इसका फुल वीडियो देख कर जाइएगा और आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। देखो अभी तो देखो ये ऑप्शन 20-25 रुपए का ऑप्शन कहाँ जाता, देख लीजिए प्रैक्टिकल भाषा में, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल तो मैं बातें करता भी नहीं और करके दिखाता हूँ और मेरे स्टूडेंट सारे पैसा कमाते हैं कमाने, क्योंकि प्रूफ है मेरे पास तो। और चलो ठीक है, देखो एक बार और बैंक निफ्टी गिरने वाला है पूरा डिटेलिंग के साथ में। यहाँ पर तकरीबन 75-60 का हाई लग चुका था, ऑप्शन में हाई लग चुका था, ध्यान से देखिएगा तकरीबन 37-38 यहाँ पर तकरीबन 50-60 का हाई लग चुका था। देखो 20 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी 60 रुपए हो चुका था, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना था, बस बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़े से आज के दिन लोग डरे हुए भी थे कि देखो बैंक निफ्टी मैंने गिरने का बोला था, बैंक निफ्टी पूरा गिर गया, 200 पॉइंट की जगह 100 पॉइंट, 10 पॉइंट भी बचा नहीं था, पूरा की पूरा साफ कर दिया मैंने 50,900 की पुट पे बोला था और ये पुट ऑप्शन चलते हुए इस तरीके से दिखाई दिए। यदि कोई सवाल है आप लोगों का तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और ये देख के जाओ, ये वाला मतलब ये वाला देख के जाओ, है ना। देखो अभी भागने वाला है ऑप्शन हमारा, बोलना मत बताना, 70-80-90 के करीब करीब चले जाएगा क्योंकि 20 रुपए हमने रिकमेंडेशन करा था, 90 रुपए हो चुका है, सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट जनरेट हो चुके थे। इसके बाद हमने ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करी। ओवर ट्रेडिंग से ही बचना चाहते हो तो बिल्कुल सीखना चाहिए ऑपरेटर का सेटअप। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने
फाइनली बैंक निफ्टी का पूरा गिरा दिया। यहाँ पर चलने से पहले ऑप्शन का डेटा आपके सामने, पूरा बैंक निफ्टी साफ हो गया था, तकरीबन 500-700 पॉइंट साफ कर दिया ऑपरेटर ने। जैसा बोला वैसा ही हुआ ऑप्शन के डेटा में भी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस आज के लिए। वो हाई था तकरीबन 86 का, तकरीबन हाई लगा था यहाँ पर ऑप्शन में, और यहाँ पर 20 रुपए का ऑप्शन तकरीबन 80-86 होता है और प्रॉफिट बुक होता है और हम एग्जिट हो जाते हैं। थैंक यू, सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस, और अगला चैप्टर आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड, फुल वीडियो देखिए।